एवरी वन एंड वेलकम टू दैनल ऑफ के वी टीचर्स गल्ड सो स्टूडेंट दिस इज पार्ट टू ऑफ चैप्टर नो प्लेस फॉर अस ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे डिस्कशन एनसीआर रीडिंग एक्सप्लेनशन एंड क्वेश्चन आंसर इससे पहले स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो रिमेनिंग चैप्टर है दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज अक्रॉस द रिवर वन डे of ऑफ खेडी हर्ड a बिग डैम was टू बी built ऑन द रिवर एक बार गांव के लोगों को ये बात पता लगती है कि वहां पर जो रिवर है उस पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है डैम कहते हैं बांध को बांध क्या होता है एक बैरियर होता है जैसे रिवर फ्लो कर रही है तो उसके बीच में पानी को रोकने के लिए एक रिजर्व बना दिया जाता है जहां पर कि पानी इकट्ठा होता है फिर उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि इरिगेशन के लिए या फिर लोगों के कंजम्पन के लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए ओके उसे कहते हैं डैम तो वहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा था फॉर दिस अ बिग वॉल वुड बी बिल्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर एक बहुत बड़े एरिया में वॉल बनाई जाती है जिससे कि पानी का फ्लो रुक सके खेडी एंड मैनी नियर बाई विलेजेज इन दैट एरिया वुड बी ड्रॉन अंडर वाटर खेड़ी और बहुत सारे गाँव जो है वो पानी में डूब जाएंगे उसकी वजह से द पीपल वुड हैव टू लिव देयर विलेजिज एंड देयर लैंडस लोगों को अपना गाँव और अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी ऑन विच देयर फोर फादर्स हैव लिव फोर सेंचुरीज जिन पर कि उनके फोर फादर्स जो हैं वो कई सेंचुरीज से कई सौ सैकड़ों सालों से वहाँ पर रह रहे हैं उन्हें छोड़ के उसे जाना पड़ेगा आप समझ गए ना नदी बह रही है यहाँ से ऐसे यहाँ पर विलेजेस हैं बहुत सारे अब इतना बड़ा एक डैम बना रहे हैं इतनी बड़ी एक वॉल बना रहे हैं नदी का पानी यहाँ पर आएगा इसमें इकट्ठा होगा रुकेगा कुछ पार्ट ऑफ वाटर जो है उसको कलेक्ट किया जाता है सभी को नहीं बाकी थोड़ा बहुत चला जाएगा ठीक है तो यानी कि गाँव डूब ना जाए इसलिए वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्टेड विजिटिंग दीज विलेजेस पुलिस के साथ गांव के लोगों ने ये प्लेस को विजिट करना शुरू किया स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम गांव के बच्चों ने पहली बार पुलिस को देखा था सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर दैम कुछ बच्चे तो उसके उनके पीछे उनकी वैन के पीछे भी दौड़ रहे थे एंड सम वुड गेट स्केयर्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग और कुछ जो छोटे बच्चे थे वो डर गए उनकी वैन को देख के रोने लगे द ऑफिशियल्स मेजर द विथ ऑफ द रिवर उन्होंने रिवर की लेंथ और विथ को नापा कितनी लंबी रिवर है कितनी चौड़ी है फील्ड्स को नापा फॉरेस्ट एंड हाउसेस और घरों को दे कॉल मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द विजेस उन्होंने गाँव के लोगों के साथ एक मीटिंग बुलाई दे सेड उन्होंने कहा विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वु हैव टू बी रिमूवड रिवर के बैंक पर किनारे पर जो गाँव है उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा पीपल हैविंग लैंड इन खेडी विल बी गिवन लैंड फार अवे जो यहाँ पर लोग रह रहे जो है उसके बदले में आपको कहीं दूर एक जमीन दे दी जाएगी देखिए यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं कि शहरों में आपको जमीन दी जाएगी ओके वेर वी वर फार अवे ओके ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर रिवर की दूसरी साइड दे विल हैव एवरी थिंग देर आपको वहाँ सब मिलेगा स्कूल होगा इलेक्ट्रिसिटी बिजली होगी हॉस्पिटल होगा बसेस ट्रेन एट्सेट्रा दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम हेयर इन खेड़ी आपको खेड़ी में जो चीज़ आपने कभी सोची भी नहीं होगी वो चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाएगी यानी कि सपने दिखा रहे हैं इनको कि ऐसी जगहों पर आप रहेंगे गाँव के लोगों को जैत्रा पेरेंट्स एंड मोर एल्डर्स वर नॉट हैप्पी जैत्रा के पेरेंट्स और बाकी जो एल्डर्स थे गांव के बड़े लोग थे वो खुश नहीं थे अबाउट लिविंग देयर विलेजेस अपने गांव को छोड़ने के लिए क्योंकि वहीं पर पैदा हुए हैं काम किया है बड़े हुए हैं बूढ़े हो गए अब छोड़ के जाना पड़ेगा लिसनिंग टू ऑल दिस जैत्रा वुड गेट अ लिटिल स्केयर्ड जब ये सुना जैत्रा ने तो वो थोड़ा सा डर गया बट ऑल्सो फील एक्साइटेड लेकिन वो एक्साइटेड भी थे कि चलो नई जगह जाएंगे हॉस्पिटल ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी जो कभी देखी नहीं थी ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड ही वुड टेक द ब्राइड टू अ न्यू हाउस इन द न्यू विलेज तो उसने सोचा कि शादी के बाद जो न्यू ब्राइड होगी मैं उसको नए गांव में नए घर में लेके जाऊंगा। अ हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर अ लाइट एंड टर्न ऑन द टैप फॉर वाटर जहां पर ऐसा होगा कि बटन वो प्रेस करेगा लाइट आ जाएगी और टैप में से पानी आ जाएगा गांव की तरह मुश्किल नहीं होगी जिंदगी आसान हो जाएगी ही कुड गो बाई बस टू द सिटी वो बस से शहर जा सकता है वेयर ही वुड हैव चिल्ड्रन जहाँ पर उसके जो बच्चे होंगे ही कुड सेंड देम टू स्कूल वो उन्हें स्कूल भेज सकेगा दे वुड नॉट बी लाइक हिम वो उसकी तरह नहीं होंगे जो कि कभी स्कूल गया ही नहीं था जैत्रा तो उसे लगता है कि वहाँ पर सबकी लाइफ अच्छी होगी आसान भी होगी डिस्कस सेंटल अब नाउ देर आर सम क्वेश्चन मैनी पीपल इन जैतराज विलेज डि नॉट एग्री टू मूव अवे फ्रॉम द लैंड एंड फॉरेस्ट वाई बहुत सारे लोग जो है वो तैयार नहीं हुए अपनी जमीन को और फॉरेस्ट को छोड़ने के लिए क्यों दे हैड टू लिव इवन दे डोंट वॉन्ट टू वाई अगर वो चाहते या नहीं चाहते हो आप उनको वहाँ से वो जगह छोड़नी ही पड़ेगी क्यों तो देखिए इसका आंसर होगा द लैंड एंड द फॉरेस्ट वर एसोसिएटेड विद फॉन्ड मेमोरीज ऑफ मेनी जनरेशन ऑफ पीपल कई जनरेशन थी लोगों की जो कि वहाँ पर रही है तो उनकी कहीं ना कहीं कुछ मेमोरीज होंगी कुछ उनकी यादें थी जुड़ी हुई उसके साथ फॉरेस्ट के साथ देअर फोर फादर्स हैड बीन लिविंग ऑन द लैंड सिंस अ लॉन्ग टाइम उनके जो फोर फादर्स थे जो कि उनके पूर्वज थे वो कई सालों से कई सौ सालों से वहाँ पर रह रहे थे दे वर फोर्स टू लीव द प्लेस बाय गवर्नमेंट ऑफिशल्स एंड द पुलिस उनको फोर्स किया गया उसको छोड़ के जाने के लिए पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशल्स के द्वारा मोर ओवर वर ऑल्सो प्रोमिस टू बी सेंट टू बेटर प्लेस उसके बाद उन्हें कहा गया कि आपको और अच्छी जगह भेजा जाएगा देवर प्रोमिस दैट द न्यू प्लेस वुड हैव बेटर फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर और उन्हें कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की टर्म्स में वहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी तो लोगों को वहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन खेडी हाउ मैनी पीपल वर देयर इन जैतराज फैमिली खेड़ी में जैत्रा की फैमिली में कितने लोग थे वेन ही थाट अबाउट हिज फैमिली हु ऑल केम टू हिज माइंड जब अपनी फैमिली के बारे में सोचता है तो कौन क्या चीज़ें उसको याद आती है देयर वर थ्री पीपल इन जैतराज फैमिली इन खेडी बट फॉर जैत्रा द होल विलेज लाइक हर फैमिली जहाँ पर वो रहता है मुंबई में वहाँ पर तीन ही लोग थे लेकिन जब गांव की वो बात सोचता है तो वहाँ पर पूरा गांव एक फैमिली की तरह था वैन ही थाट अबाउट हिज फैमिली हिज़ फ्यूचर वाइफ एंड हिज़ फ्यूचर चिल्ड्रन केम टू हिज़ माइंड और जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता था तो उसकी फ्यूचर वाइफ और बच्चे का एक अच्छा भविष्य उसको दिखाई देता था नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑल केम टू योर माइंड वेन यू थिंक अबाउट योर फैमिली जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो क्या चीज़ें आपको याद आती हैं आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कजन्स एंड ऑल दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है Have you heard of people who don't want to move from their old place talk about them क्या आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपनी जगह से जाना नहीं चाहते थे लेकिन जाना पड़ा उनके बारे में आपको क्लास में बात करनी है Do you know some people who have never been to school क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए Do you also know of any place where there is no school क्या आप किसी ऐसी जगह को जानते हैं जहाँ पर स्कूल अभी तक नहीं है Next question है think of the kind of difficulties people have to face when a dam dam is being built कैसी डिफिकल्टीज लोगों को फेस करनी पड़ती है जबकि डैम बनता है पीपल फेस मैनी डिफिकल्टीज व डैम इज बींग बिल्ट दे दे आर पीपल दे आर पीपल आर फोर्सड देयर होगा टी एच ई आर टू लीव देयर प्लेस अलॉन्ग विद फैमिली सबसे पहले तो लोगों को फोर्स किया जाता है वहाँ से हटाया जाता है अपनी फैमिली के साथ हाउसेज फार्म्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड गेट डिस्ट्रॉयड उनके घर उनके फार्म्स उनकी जो लैंड है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है डैम बनने की वजह से दे हैव टू रीलोकेट टू न्यू प्लेस नई जगह उनको रीलोकेट करना पड़ता है नई लोकेशन पे घर देना पड़ता है एंड हैव टू स्ट्रगल फॉर वर्क काम के लिए अब स्ट्रगल करना पड़ेगा बच्चों की एजुकेशन के लिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी नई जगह पे एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है आप किसी को जानते भी नहीं हैं वहाँ पर तो ये सारी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है डैम बनने की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ पिक्चर ऑफ खेड़ी विलेज एंड अ पिक्चर ऑफ जैत्राज ड्रीम विलेज डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन देम ऑल्सो लुक एट द पिक्चर ऑफ़ योर फ्रेंड्स हैव ड्रॉ को एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जैसा आपको लगता है कि खेड़ी विलेज होगा और फिर अपने फ्रेंड की और आपकी पिक्चर को कंपेयर करना है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ न्यू प्लेस मतलब अब नई जगह में जब वो आते हैं वहाँ पर देखिए क्या है जैसा प्रॉमिस किया गया था वैसा कुछ है या नहीं इट वॉज अ समर आफ्टरनून समर की आफ्टरनून है गर्मी की जैत्रा वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड जैत्रा लगभग बेहोश होने वाला है इतनी गर्मी है और गर्म लू हवा चल रही है हिज फीट वॉज वर बर्निंग ऑन द कोल तार ऑफ द पक्का रोड पक्का रोड की रोड जो है कोलतार की बनी होती है उसके ऊपर उसके पैर जल रहे हैं बिल्कुल देर वॉज नॉट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड शहर में कोई एक पेड़ भी नहीं है जो उसको छाया दे सके जो कि गाँव में इतने सारे थे जस्ट अ फ्यू हाउसेज एंड शॉप कुछ घर है और सिर्फ दुकानें हैं जैतरा वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन जैतरा जो है दवाई लेकर घर जा रहा है ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक उसकी कमर पर एक पुराना टायर है दिस डेज ही हैड टू लाइट हिज स्टोव विद जस्ट दीज रबर पीसीज ऑफ ओल्ड टायर्स आजकल गांव में तो लकड़ी मिल जाती थी यहाँ पर वो भी नहीं मिलती क्योंकि जंगल्स नहीं है पेड़ नहीं है वो ऐसे रबर की चीज़ों से ही अपना स्टोव जलाता है दे कॉट फा फायर फास्ट उनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है एंड ऑल्सो सेव फ्रॉम सम फायरवुड और उससे कुछ लकड़ी बच भी जाती है बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ द बर्निंग टायर वर्ट टेरेबल आपने भी देखा होगा कभी प्लास्टिक जलती है तो कितनी बेकार से स्मेल आती है उसकी जो टायर जो बर्न होता है उसका स्मोक धुआं और जो स्मेल है वो बहुत टेरेबल है बहुत भयानक है इन दिस न्यू सुंदर विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरी थिंग ये जो नया सुंदरी गांव है यहाँ पर उन्हें हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं मेडिसिन के लिए फूड के लिए वेजिटेबल्स फायरवुड लकड़ी के लिए एंड फॉर्डर फॉर द एनिमल्स और अगर वो एनिमल्स के लिए चारा खरीदते हैं उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं जो कि गाँव में उन्हें फ्री में मिल जाता था देखो जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय कैरोसिन वो कैरोसिन खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकते बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ से लाए थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जैत्रा रीच होम ये सब सोचते सोचते जैत्रा घर पहुंचता है देखिए हाथ में मेडिसिन है और ये वो टायर लिया हुआ है द रूफ मेड ऑफ अ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन अवन जो घर बना हुआ है वो टिन की शीट का बना हुआ है जिससे कि इतना गर्म है कि ऐसा लग रहा है अवन में आ गए हो जैत्राज़ वाइफ हैड हाई फीवर जैत्रा की वाइफ को बहुत हाई फ़ीवर है हिज डॉटर जिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिद्धिया टू स्लीप इन हर लैप उसकी जो छोटी उसकी लड़की जो है हैिमिल जिमली वो छोटे भाई को अपनी गोद में सुलाने के लिए कोशिश कर रही है आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम उनके साथ कोई बड़े लोग गांव के बच्चे ही नहीं जो कि बच्चे को खिला सके या फिर जिनको वो बता सके या फिर उनकी हेल्प कर सके जैतराज पेरेंट्स हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेडी दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूवड हेयर ओके उसके जो पेरेंट्स थे वो इतने दुखी थे यहाँ पर आने की खबर सुनकर कि वो आने से पहले ही दे बोथ डाइड वो दोनों मर गए इन सुंदरी विलेज देर वर ओनली एट टेन फैमिलीज ही कुड कॉल हिज ओन यहाँ पे सिर्फ आठ से दस ही लोग हैं फैमिलीज हैं जिनको वो अपना कह सकता है दोस्त फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज जो कि उसके पुराने गांव से ही है द होल विलेज हैड गॉट स्कैटर्ड एंड पीपल हैड गोन वेर एवर दे हैड बीन गिवन लैंड गांव जो पूरा है वो पूरा स्कैटर्ड हो गया है फैल गया है और सभी लोग जहाँ पर उनको ज़मीन मिलती रही वहीं पर सेटल हो गए दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जैत्रा हैड ड्रीमड अबाउट ये बिल्कुल ऐसे गांव जैसा नहीं है जैसा कि जैत्रा ने सोचा था ड्रीम में उसका ड्रीम हाउस था ना एक कि ऐसा होगा घर बटन दबाते ही फैन चलेगा टैप से पानी आएगा ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था दिस ओके ड्रीम देर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर समटाइम्स इन अ डे बिजली थी लेकिन कुछ ही देर के लिए आती थी एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड और उसका भी फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता था देर आर टैप्स बट नो वाटर टैप्स तो थे लेकिन उनमें पानी नहीं था इन दिस विलेज जैत्रा गॉट जस्ट वन रूम इन अ टिन शेड इस गाँव में जैतरा के पास सिर्फ एक रूम था टिन शेड में इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स वहाँ पर एनिमल्स रखने की भी जगह नहीं थी ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड उसको एक छोटे सा पीस ऑफ लैंड भी मिला बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग लेकिन वो फार्मिंग के लिए उतना अच्छा नहीं था इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स उसमें कंकर पत्थर ज्यादा थे स्टिल जैत्रा एंड इज़ फैमिली वर्क वेरी हार्ड फिर भी उसकी फैमिली और वो बहुत हार्ड वर्क करते थे बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड लेकिन वो फील्ड पर कुछ इतना उगा नहीं पाते थे एंड कूड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाई सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स और इतना भी नहीं कर पाते थे कि सीड्स बीज और फर्टिलाइजर्स ख़रीद सके कहने का मतलब है गाँव से वो जहाँ से उन्हें शिफ्ट किया गया वहाँ की जो फैसिलिटीज़ थी वो एक भी यहाँ पर नहीं है ज़मीन अच्छी नहीं, नहीं है लोग हेल्पफुल नहीं है जो आपका एन्वामेंट है वो भी उतना अच्छा नहीं है ऊपर से जो आपके एक्सपेंसेस है वो भी बहुत इंक्रीज हो गए हैं तो जैसा जैसी फैसिलिटीज बताई गई थी देर वॉज नथिंग लाइक दैट इन खेडी पीपल डि नॉट फॉल सिक ऑफन खेड़ी में लोग ज्यादातर बीमार नहीं पड़ते थे इफ़ फेल सिक देर वर मैनी पीपल हु न्यू हाउ टू ट्रीट दम विद मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स अगर बीमार होते भी थे तो प्लांट से कैसे मेडिसिन बनानी है काफी लोग ये जानते थे पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन उन दवाइयों को लेकर लोग अच्छा फील करते थे हेयर इन सुंदरी देर वॉज अ हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स एंड देर वार नो मेडिसिन यहाँ पर हॉस्पिटल तो था नया जो विलेज है सिंदूरी में लेकिन वहाँ पर ना डॉक्टर्स थे और ना ही मेडिसिन थी देर वार्क वॉज अ स्कूल हेयर बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्राम खेडी विलेज स्कूल था लेकिन खेडी विलेज से आए हुए बच्चों का ध्यान ज़्यादा वहाँ के टीचर्स नहीं देते थे दिस चिल्ड्रेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी इन न्यू लैंग्वेज नई लैंग्वेज थी तो बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे थे द पीपल ऑफ सिंदूरी did नॉट वेलकम द न्यू कमर्स Khedi. खेड़ी सिंदूरी के लोगों ने भी जो खेड़ी से लोग आए थे उनको ज़्यादा वेलकम ज़्यादा कुछ अच्छे से वेलकम नहीं किया दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज उन्हें लगता था कि इनकी लैंग्वेज और जिस तरीके से रहती है बहुत अजीब है दे मेड फन ऑफ द खेड़ी पीपल बाई कॉलिंग them अनवॉन्टेड गेस्ट वो उनको गेस्ट अनचाहे मेहमान कहते थे खेड़ी के लोगों को नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड हैड कम ट्रू जो उसने सोचा था वैसा कुछ भी सच नहीं हुआ क्वेश्चन है वॉज सुंदरी लाइक द विलेज ऑफ जैत्रास ड्रीम नॉट एट ऑल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था उसके ड्रीम जैसा विलेज जैसा उसने सोचा था वॉट डिफरेंस डिड यू फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज सिंदूरी और जो जैत्रा का ड्रीम विलेज था उनमें क्या डिफरेंस था सो द हाउस इन सिंदूरी विलेज इज मेड अप ऑफ टिन शीट एंड वर वेरी वीक टीन शीट के बने हुए थे बहुत कमज़ोर थे देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन सिंदूरी विलेज देर वॉज नो ओपन स्पेस खुली जगह नहीं थी स्कूल्स नहीं थे हॉस्पिटल्स नहीं थे इन द सिंदूरी अलॉन्ग विद बेड बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम बर्निंग ऑफ टायर टायर के जलाने से स्मेल भी आती थी द सिंदूरी विलज इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम जैतराज ड्रीम विलेज उसको लगा था बहुत अच्छा होगा इलेक्ट्रिसिटी uh, आ जाएगी बटन दबाते टैब होगा स्कूल होंगे बहुत अच्छे जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाएंगे बट ऐसा कुछ भी यहाँ पर उसको देखने को नहीं मिलता है तो इट वॉज़ टोटली डिफरेंट वो बिल्कुल ही अलग था क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन टू एनी वन हाउस एज अनवॉन्टेड गेस्ट आप क्या कभी किसी के घर अनवॉन्टेड गेस्ट की तरह गए हैं कैसा फील होता है बहुत बुरा फील होता है आप अपना एक्सपीरियंस चाहे तो शेयर कर सकते हैं आप जा गए और किसी ने आपको वेलकम नहीं किया अच्छे से किसी फ्रेंड के यहाँ गए वॉट डज ऑल योर फैमिली डू वेन यू हैव अ गेस्ट एट होम फॉर फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए गेस्ट आते हैं तो आप कैसे क्या करते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेटली बहुत अच्छे से ट्रीट करते होंगे उनका ध्यान रखते होंगे सम ईयर्स लेटर अब कुछ साल बाद की बात देखते हैं जैत्रा स्टेड फॉर फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी जैतरा कुछ टाइम के लिए सिंदूरी में रहता है द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे बट जैतराज हार्ट वॉज नॉट हर इन सिंदूरी लेकिन जैतरा दिल से सिंदूरी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेडी वो अपने पुराने खेड़ी विलेज को बहुत मिस करता था बट देर वॉज नो खेडी नाव लेकिन खेड़ी अभी रहा ही नहीं है वहाँ पर डैम बन चुका है देर वॉज अ बिग डैम एंड बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी बहुत बड़ा डैम है और खेड़ी के चारों तरफ पानी भरा रहता है लेक बन गई है काफ़ी सारी जैत्रा थॉट जैत्रा सोचता है इफ़ वी आर टू बी कॉल्ड अनवॉन्टेड गेस्ट देन एटलीस्ट अस गो टू सम प्लेस वेर आर ड्रीम्स कैन कम ट्रू अगर यहाँ पर लोग हमें अनचाहे मेहमान अनवॉन्टेड गेस्ट कहते हैं तो क्यों ना हम कहीं और चले जाएँ जहाँ पर हमारे सपने सच हो जैत्रा सोल्ड इज लैंड वो अपनी ज़मीन बेचता है एंड हिज एनिमल्स और एनिमल्स को भी एन केम टू मुंबई और मुंबई आ जाता है हेयर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली वो अपनी फैमिली के साथ नई लाइफ शुरू करता है हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल वो चाहता था उसके बच्चे स्कूल जाए टू गिव दैम अ बेटर फ्यूचर एंड अ बेटर लाइफ उनका बेटर फ्यूचर और अच्छी लाइफ हो हेयर टू थिंग्स वर नॉट ईजी यहाँ पर भी चीज़ें उतनी आसान नहीं थी बट ही होप दैट थिंग्स वुड गेट बेटर लेकिन उसको लगता था कि चीज़ें सही हो जाएगी जैतरा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शेक शाक उसने अपने एक रूम का जो झोपड़ी थी उसको रिपेयर करना शुरू कर दी पैसे बचाने शुरू कर दिए उसको रिपेयर करने के लिए हिज रिलेटिव वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस उसके रिलेटिव उसको कहते थे इसके ऊपर पैसा खर्च मत करो हु नोज वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू किसको पता हमें यहाँ से भी कहीं जाना पड़ गया तो इन मुंबई देर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस मुंबई में हम जैसे आउटसाइडर के लिए बाहर के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जैत्रा वो स्केयरड एंड वरीड जैतरा बहुत डरा हुआ और वरीड चिंतित था ही थॉट वो सोचता था वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी हमने खेड़ी छोड़ा सिंदूरी के लिए वी लेफ़्ट सिंदूरी फॉर मुंबई सिंदूरी को छोड़ के मुंबई आए इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू अगर हमें यहीं से यहाँ से भी जाना पड़ गया देन वेयर वी कैन गो तो हम कहाँ जाएंगे इन दिस बिग सिटी इज़ देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे इतने बड़े शहर में क्या मेरी फैमिली के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है रहने के लिए ओके दैट इज़ वाई द चैप्टर्स नेम इज़ नो प्लेस फॉर अस कि हमारे लिए कहीं जगह नहीं है द क्वेश्चन इज वॉट डिड जैत्रा थाट वाइल्ड मूविंग टू मुंबई जब जैत्रा मुंबई आता है तो उसने क्या सोचा उसने सोचा था दैट हिज ड्रीम्स कैन नाउ कम ट्रू कैन कम ट्रू इन मुंबई जो उसने सोचा था कि ऐसा मेरा घर होगा इस तरीके से आ, मैं रहूँगा मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे अच्छे स्कूल जाएंगे वो उससे लगा कि शायद इसके सपने सच हो सकते हैं डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन जैसे उसने सोचा था कैसे उसे मुंबई मिली बिल्कुल नहीं लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट देर लाइफ वहाँ पर भी उतनी ही मुश्किल थी काम करना पड़ता था उसके बच्चों को ओके okay? और वो अपना वहाँ पर भी एक आ जाता था कि कभी भी आपको यहाँ से भी हटाया जा सकता है नेक्स्ट इज़ वट काइंडफ़ स्कूल डू यू थिंक जैत्रास चिल्ड्रन वुड बी गोइंग इन मुंबई मुंबई में उसके बच्चे कैसे स्कूल में जाते हो गवर्नमेंट स्कूल में क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई फ्री होती है ओके okay? और प्राइवेट स्कूल की फीस ऑब्वियसली वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना अभी कोई क्वेश्चन आपके लिए कि आपकी आपने किसी फैमिली को देखा है क्या जो कभी टाउन में आई हो उनके बारे में आपको बताना है यहाँ पर वो कहाँ से आए हैं एंड ऑल सो दैट वॉज योर चैप्टर होपफुली जो चैप्टर आपको कहना चाह रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेरी सुन आई एल अपलोड इट्स वर्कशीट एंड क्विज ऑल्सो